Hello guys, welcome to the channel. This video is all about a 2 days solo trip to Rishikesh from Paunta Sahib. I hope you guys will enjoy the video. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बारिश शुरू हो चुकी है और मैं फ़िलहाल इस वक्त पहुंचा हूं देहरादून। टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और इस वक्त मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूं जहां पे मैं खुद को और अपनी बाइक को भीगने से बचा सकूं। थोड़ी देर के बाद मुझे एक जगह मिल गई और वहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्क की और कुछ देर मैंने वहीं पर बारिश रुकने का इंतज़ार किया। आधे घंटे के बाद बारिश रुकी और फिर मैं निकल पड़ा देहरादून से। देहरादून टू ऋषिकेश इज़ अराउंड 45 किलोमीटर्स और इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे लगा अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा और इस वक्त मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं एंड राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग राम झूला एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई होटल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। मैं आज सुबह पौंटा साहिब से अपने घर से निकला था सुबह अराउंड 7 बजे के आसपास। देन बीच में बारिश हुई तो 2 या 3 बार मैं रास्ते में रुका। तो अराउंड 11 बजे मैं तपोवन इन ऋषिकेश यहाँ अपने होटल में पहुंचा। यहाँ 12 बजे मैंने चेक इन किया। देन उसके बाद किया मैंने ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ली थोड़ी सी रेस्ट। देन रेस्ट करने के बाद नाउ आई एम रेडी टू गो आउटसाइड। तो चलिए देखते हैं ऋषिकेश में क्या क्या है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या नए एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ब्यूटीफुल सिटी ऋषिकेश को। आइए जल्दी से आपको दे देते हैं एक छोटा सा रूम टूर कि कैसा है हमारा होटल का कमरा। अभी थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से और इस वक्त मैं जा रहा हूँ राम झूला की तरफ। मैंने ज़्यादा रोड्स कवर नहीं किए हैं बिकॉज इतना कुछ दिखाने के लिए है नहीं। जहाँ पे व्यू अच्छा होगा आई विल डेफिनेटली पुट दैट इन द वीडियो। फाइनली मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ राम झूला और मैं आपको बता दूँ ये जर्नी शुरू करने से पहले आई वॉज़ वेरी कीन टू ड्राइव माई बाइक ऑन राम झूला एंड एट दिस पॉइंट आई वॉज़ वेरी हैप्पी because I was about to do the same but suddenly I realized that एक problem हो चुकी है क्योंकि मैं अपने action cam का mount ही लाना भूल चुका हूँ। then I decided कि मैं action cam को हाथ में पकड़ के ही drive करूँगा। although it was difficult because एक तरफ से जनता आ रही थी but somehow I managed to do that। अभी अभी हमने देखा राम झूला और राम झूला से हमने सीधा लिया एक लेफ़्ट टर्न और लेफ़्ट टर्न पे हमें एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला है।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गंगा बीच और टाइम हो रहा है 3 PM। धूप बहुत तेज़ है जिसके कारण लोग भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। अगर मौका मिला तो मैं शाम को यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और मैं यहाँ नहाने तो आया नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है यहाँ पे ज़्यादा देर रुक के कोई फ़ायदा है। और मैं अपना चश्मा भी लाना भूल गया हूँ, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, आंखें खुल नहीं रही हैं। तो आई थिंक आई शुड लीव फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से 1.7 किलोमीटर पे है लक्ष्मण झूला, तो आइए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है देखने के लिए। तो मिलते हैं लक्ष्मण झूला पे। दिस इज़ लक्ष्मण झूला। यहाँ पर बाइक नहीं आ सकती, फ़िलहाल बैरिकेड्स लगे हैं। बैरिकेड्स क्या, पूरा डोर है लेकिन ये हिल रहा है ये भी। मस्त, बढ़िया सनलाइट। बहुत ही बेहतरीन व्यू, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बेटर आई थिंक राम झूला है। आई वॉज़ मोर क्यूरियस अबाउट लक्ष्मण झूला, बट यहाँ तो उल्टा है, राम झूला मच बेटर देन लक्ष्मण झूला। एंड आई थिंक दिस इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। यहाँ पर शाम को आरती होती है इस जगह पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे। खाने की तलाश में आई वॉज़ रोमिंग अराउंड, देन मुझे ये सीढ़ियाँ दिखी, देन आई डिसाइडेड टू गो डाउन एंड सी व्हाट आई फाउंड, अ ब्यूटीफुल नज़ारा। और अब दिखेगा लक्ष्मण झूला। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद मुझे प्यास लगी और फिर मैं गया एक बेकरी में। बेकरी तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन वहाँ से जो नज़ारा दिखता था वो बहुत ही औसम था। अभी हम लक्ष्मण झूला को दोबारा से क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की है। लक्ष्मण झूला के बाद मुझे जाना था नीम बीच, लेकिन टाइम कम होने के कारण आई डिसाइडेड कि नीम बीच हम जाएंगे अगले दिन। प्लान में आ चुका है थोड़ा सा चेंज, नीम बीच पर जाने की बजाय हम आ चुके हैं एक रैंडम घाट पर जो कि बहुत ही प्यारा घाट है। और नीम बीच का जो प्लान है वो कैंसिल नहीं है, हम कल सुबह अराउंड 6 or 7 हम नीम बीच पहुँचेंगे। फिलहाल हम इन्जॉय करेंगे यहीं इस घाट पर, देखते इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी बनती है। तो अपना प्लान यही है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि वॉक करते हुए नीम बीच तक जाएं, देन उसके बाद आई हेड टूवर्ड्स टू माय होम। देन इसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं गया नीम बीच, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। तो बाद अभी उठा हूँ, 7 बज रहे हैं और अभी देखते हैं खाने को क्या मिलता है। भूख बहुत लगी हुई है, ऑर्डर कर दिया मैंने, नहीं ऑर्डर घंटा किया है।